और दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, अगर आप दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या आपको पढ़ाई की ज़रूरत होती है और कितने पढ़ाई की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम लोग किसी जॉब को पाने के लिए हमको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो शो करना पड़ता है, तो क्या हमें ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है या हमें क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो पूछते हैं लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपसे मैं बात करने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए और कितनी पढ़ाई की ज़रूरत होती है, पूरा डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट ज़रूर करिए। तो दोस्तों दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस एक इंटरनेशनल लेवल का ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे आप लोगों को सबको पता है। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है एक्यूरेट होना चाहिए, वहाँ पर जितना वो लोग पूछते हैं वो सब कुछ वहाँ पर होना चाहिए। तो गाइस, जैसे किसी जॉब के लिए हम लोग जो डॉक्यूमेंट शो करते हैं, जैसे पढ़ाई का सर्टिफिकेट होगा, आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होगा, तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होगा, ये सब कुछ हम लोग जब किसी जॉब के पाने के लिए जैसे हम लोग जमा करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भाई पढ़ाई की भी ज़रूरत होती है क्योंकि हमको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है तो इसके बारे में जानकारी चाहिए बोल के बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया था। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में इसी बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, फाइल ओपन करने के लिए आप जाते हैं, तो वो लोग आपको पढ़ाई का सर्टिफिकेट नहीं पूछते। तो मतलब आप अगर नहीं पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी चलेगा क्योंकि वो लोग इसके बारे में नहीं पूछते। लेकिन दोस्तों पढ़ाई नहीं पूछते या सर्टिफिकेट नहीं पूछते इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं आना चाहिए, अगर नहीं आती है तो भी आपको चलेगा। लेकिन ड्राइविंग एक ऐसा जॉब है दोस्तों, बहुत रिस्की जॉब है और हर जगह में जाना पड़ता है हम लोगों को, वहाँ पे हर तरह के लोगों से हमें बात करना पड़ता है। जैसे आप सेल्स की तरफ चले गए या डिलीवरी की तरफ चले गए, तो मतलब आपको ड्राइवर का ऐसा जॉब है दोस्तों, हर लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वहाँ पर पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो जैसे पढ़े मतलब पेपर वगैरह भी देखना पड़ता है, आपको GPS चेक करना पड़ेगा, लोकेशन आपको चालू करना पड़ेगा, व्हाट्सएप में आपको बात करना पड़ेगा, फेस टू फेस आपको बात करना पड़ेगा। तो दोस्तों पढ़ाई नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं चाहिए, पढ़ाई ज़रूर चाहिए दोस्तों। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए वो लोग सर्टिफिकेट पहले नहीं पूछते, बिना सर्टिफिकेट भी आप लोग जो है वहाँ पे जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस फाइल ओपन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पढ़ाई की ज़रूरत तो बहुत होती है दोस्तों। अगर दुबई जैसे सिटी में आप अगर बिना पढ़े लिखे लोग हैं और ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड वगैरह होते हैं बाहर, जो लोकेशन का जो बोर्ड वगैरह होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं या अरबी में होते हैं, तो हमको अरबी तो आती नहीं है तो हमको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए कम से कम एटलीस्ट जो पढ़े लिखे थोड़ा बहुत साधारण पढ़ लिखने वाले लोग को होना ज़रूरी है कि आप उस बोर्ड को देखते हुए भी आप लोकेशन में पहुंच सके। तो दोस्तों ये जो पढ़ा लिखा नहीं चाहिए या चाहिए, जो सारे लोग कमेंट कर रहे थे उनके बारे में आज का वीडियो था, क्योंकि पढ़ाई की ज़रूरत तो वहाँ पे होती है जब ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के बाद में होती है दोस्तों। तो पढ़ाई लिखा होना ज़रूरी है, अगर आप लोग भी पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो काम है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के बाद में उसका आता है। तो दोस्तों पढ़ा लिखा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ऐसे नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं चाहिए तो भी चलेगा, हाँ चलेगा, ऐसे नहीं है कि वहाँ पे कानून नहीं है, पढ़ा लिखा है तो ही आप कर सकते हैं। तो फ्यूचर में हो सकता है ऐसा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कुछ है नहीं। अगर ऐसा कोई नया अपडेट आ जाता है तो मैं आपसे पूरा डिटेल में आपसे फिर नया वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।